नमस्कार, स्वागत का न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। सियासी ड्रामे के 11वें दिन के शाम अटकलों और अनुमानों पर पूर्ण विराम। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार की शाम महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। शपथ के घंटे भर बाद दोनों ने कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली। ये सब कुछ महज 5 घंटे के भीतर ही हुआ है। ये तो हुआ क्लाइमैक्स, लेकिन अब इससे पहले के सीन पर भी नजर डाल लें तो आपको बता दें कि दिन गुरुवार और जगह मुंबई। काले माइक के सामने फडणवीस बोलते हुए और उनकी दाईं ओर सीट पर लाल टीका लगाए हाथ माथे मौन बैठे शिंदे। फडणवीस ने कुछ पुरानी बातें कही और फिर सीधे हीरो के नाम का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। भाजपा उनका समर्थन करेगी, सरकार में शामिल भी होगी, लेकिन मैं सरकार से बाहर रहूंगा। केंद्र सरकार ने आज यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है। इसे देखते हुए पैक्ड फूड जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली FMCG और एग्रो फूड कंपनियां पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी हैं। बैन किए गए प्रोडक्ट्स बनाए या बेचने पर 7 साल की जेल और 1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मणिपुर के नौनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास में लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत जीरीबाम से इम्फाल तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसकी सुरक्षा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान लगाए गए। इनमें से कई मलबे के नीचे दब गए तो मरने वालों में 7 जवान भी हैं। NDRF ने रात और दिन भर चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 जवानों समेत 18 लोगों को बचा लिया। जम्मू कस्बे में गुरुवार की देर शाम करीब 6 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश होने लगी। इलाकों में गुरुवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे, लेकिन भीषण गर्मी थी और देर शाम को अचानक बारिश शुरू होने लगी और इलाके में तेज बारिश होने से लोगों को इस भीषण गर्मी और उमस से राहत भी मिली। इलाके में बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।